गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, एक बार हम लोग फिर मिल रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं क्या है। आज हम पढ़ रहे हैं अधिगम के प्रकार के। अगर तो अधिगम बहुत प्रकार का होता, लेकिन आपके सिलेबस में जो है हम उनको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ अधिगम हमारा तीन प्रकार का। पहला हमारा सेंसरी मोटर अधिगम, यानी संवेदी अंगों के जो अंग हैं उनकी गति के आधार पर किसी भी स्टेट को ग्रहण करना, वो उसके अंतर्गत आता। यानी संवेदी अंगों के आधार पर किसी भी कौशल का ज्ञान अगर आप अर्जित कर रहे हैं तो वो हमारा इसके अंतर्गत है। जैसे आपका डांस करना हुआ, आपका कंप्यूटर चलाना हुआ, आपका साइकिल चलाना हुआ, आपका स्विमिंग करना हुआ, तो ये सब हमारा इस अधिगम के अंतर्गत है। तो बहुत सारी चीज़ें बारे में इस तरीके से सीखते हैं। अगर आता है मोटर लर्निंग या गामक लर्निंग जैसे हम बोलते हैं, तो मोटर लर्निंग के अंतर्गत बालक अपने अंगों का संचालन करना सीखता है। मैंने इसमें बताया डांस इसके अंतर्गत आता है, लेकिन डांस में हाथों का मूवमेंट किस तरीके से होगा वो हमारा गामक लर्निंग के अंतर्गत आएगा। जब बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़ता है या साइकिल चलाना सीख रहा है, लेकिन साइकिल के ब्रेक को किस तरीके से दबाया जाएगा, साइकिल किस हैंडल को किस तरीके से पकड़ा जाएगा, ये हम इसके अंतर्गत सीखते हैं। अगला आता है इंटेलेक्चुअल लर्निंग या बौद्धिक लर्निंग। तो बौद्धिक लर्निंग में बालक बुद्धि के आधार पर बहुत सारी चीज़ें सीखता है। अब ये बालक किस तरीके से सीखता है, ये इसके चार प्रकार होता है कि बालक अपनी बुद्धि का चार प्रकार से प्रयोग करके सीख सकता है। पहला आता है हमारा परसेप्चुअल लर्निंग। इसके अंतर्गत बालक के समक्ष जो भी चीज़ आप रखेंगे प्रत्यक्ष रूप में, अब बालक उसको देख कर प्रतिक्रिया करता है, ज्ञान इंद्रियों के आधार। जैसे अगर मैंने एक पेन किसी बालक के सामने रखी है, तो बालक अपनी ज्ञान इंद्रिय आंखों का प्रयोग करेगा और इसको देखेगा और इसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा और उसके आधार पर सीख जाएगा कि ये पेन है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है, हमारा बालक के समक्ष हमने जो भी चीज़ परोक्ष रूप में रखी है उसके प्रति बालक अपनी ज्ञान इंद्रियों के आधार पर क्रिया करके सीख जाता है। अगला आता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंतर्गत बालक तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना सीख जाता है, ठीक है। जैसे अब मैं इसकी बात करूँ कि अभी पहले वाले इसमें हमने क्या सीखा कि बालक पेन को देखकर इसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है और वो सीख रहा है कि पेन। अगली बार जब ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में आएगा तो बालक देखेगा कि पेन पेन को उठाएगा, इधर उधर करेगा और फिर उसके आधार पर वो सीख जाएगा अपने तर्क के आधार पर कि बालक इस पेन का प्रयोग करना सीख गया है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के अंतर्गत। यानी बालक बता पाएगा कि पेन लिखने के लिए काम आता है। अगला आता है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग में सहचर होता है, यानी पहले से सीखी हुई किसी चीज़ के आधार पर या पहले के सीखे हुए ज्ञान के आधार पर आप कोई नया ज्ञान ग्रहण करें। जैसे मैंने आप साइकिल चलाने के आधार पर आप एक्टिवा चलाना सीख जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिलती हुई दिखेंगी, है। तो पुराने ज्ञान के आधार पर आप जब कोई नया ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसे सीखने को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव। अगला आता है हमारा एप्रिसिएशन लर्निंग। एप्रिसिएशन लर्निंग को हम हिंदी में कहेंगे तो रसानुभूति पर अधिगम होता है। इसके अंतर्गत बालक किसी भी चीज़ को देखता है तो उसके भावात्मक और संवेदनात्मक पहलुओं के आधार पर उसके गुण दोषों की विवेचना करना सीख जाता है। तो अब हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि सीखना तीन प्रकार का होता है। पहला हो गया हमारा सेंसरी मोटर, दूसरा हो गया मोटर लर्निंग, तीसरा हो गया इंटेलेक्चुअल लर्निंग। इंटेलेक्चुअल लर्निंग हमारी चार प्रकार से पूरी होती है। पहला होता है परसेप्चुअल लर्निंग, दूसरा कॉन्सेप्चुअल, तीसरा एसोसिएटिव और चौथा एप्रिसिएशन। ओके, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।